VSMURDU पेश कर रहा है रोजाना की खबरों का खास बुलेटिन। रात 9 बजे देखना ना भूलें दिन भर की ताजा तरीन अपडेट्स। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं VSMURDU। जैसा कि हमने आपको कल के बुलेटिन में बताया था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमरावती के मेयर और नायब मेयर के चुनाव में बीजेपी ही बाजी मारेगी। हमारा कल का बुलेटिन बिल्कुल सही साबित हुआ। आज अम्बा नगरी अमरावती को नया महापौर मिल गया। हालांकि इस चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी से बिगड़ते बनते गए, लेकिन जैसे ही महापौर उप महापौर चुनाव के परिणाम घोषित हुए, हमारी कल की खबर शत प्रतिशत सही साबित हुई। आज की चुनाव प्रक्रिया पश्चात वही परिणाम आए जिस खबर कल हमने आप तक पहुंचाई थी, और भाजपा के चेतन गावंडे महापौर पद का चुनाव भारी बहुमत से जीत गए। इसी तरह उप महापौर पद के चुनाव में कुसुम ताई साहू विजय हुई। आज हुए चुनाव प्रक्रिया में कांग्रेस ने MIM का साथ दिया तो शिवसेना ने तटस्थ भूमिका निभाई। आज के चुनाव प्रक्रिया में MIM के 2 वो दिनेश बुक ऐसे 3 सदस्य अनुपस्थित थे। आज सुबह 11 बजे महापौर उप महापौर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। संभागीय आयुक्त के प्रतिनिधि के रूप में पीठासीन अधिकारी जिलाधीश शैलेश नवाल, नगर सचिव मदन तांबेकर, निगम आयुक्त संजय निपानी की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराई गई। सर्वप्रथम 15 मिनट का समय नामांकन पीछे लेने के लिए दिया गया। महापौर चुनाव के लिए 5 प्रत्याशियों ने 6 तो उप महापौर चुनाव के लिए 7 प्रत्याशियों ने 8 नामांकन भरे थे, जिनमें से महापौर पद के उम्मीदवार प्रदीप ह्यूसे विलास हिंगोले ने अपने नामांकन पीछे ले लिए। पश्चात BSP के माला देवकर, भाजपा के चेतन गावंडे व MIM के अफजल हुसैन ऐसे 3 प्रत्याशी मैदान में कायम थे, जिनमें से चेतन गावंडे को 49 वोट पड़े, MIM के अफजल हुसैन को 23 वोट वो बसपा के माला देवकर को 5 वोट पड़े। जिसके बाद चेतन गावंडे को अम्बा नगरी अमरावती का नया महापौर घोषित किया गया। उप महापौर चुनाव में 7 प्रत्याशियों ने 8 नामांकन भरे थे, उनमें से युवा स्वाभिमानी की सुमिति ढोके, BSP के चेतन पवार, MIM के अब्दुल नाजिम अब्दुल रऊफ, शिवसेना के डॉक्टर राजेंद्र तायड़े, इन 4 उम्मीदवारों ने विड्रॉल लेने से भाजपा की कुसुम साहू, MIM के मोहम्मद साबिर मोहम्मद नज़ीर वो बसपा के इशरत बानो मैदान में थी, जिनमें से कुसुम ताई साहू को सर्वाधिक 49 वोट पड़े, MIM के मोहम्मद साबिर को 23 वोट, BSP के इशरत बानो को 5 वोट मिले। पश्चात कुसुम साहू को पीठासीन अधिकारी ने उप महापौर विजयी घोषित किया। आज के इस चुनाव में शिवसेना ने तटस्थ भूमिका निभाई, यह विशेष है। संख्या बल का खेल वो भाजपा नेताओं ने सारे विवादों को खत्म करने के लिए जो नीति अपनाई, उसके बाद स्पष्ट हो गया था कि महापौर उप महापौर चुनाव केवल औपचारिकता रहेंगी। आज कांग्रेस के विलास सिंगली और प्रदीप ह्यूसे ने नामांकन पीछे लेते ही स्पष्ट हो गया कि अब कुछ सब कुछ भाजपा के ही पक्ष में जाने वाला है।